जिंदगी दिलैन। हाँ मौसी, तू तैयार नहीं हुई? चल पिक्चर छूट जाएगी। टिकट लाए हैं का? हम कब से लेकर आए हैं, है ना? जे बात, हम बस अभी आए। चल सुरीली, ओए सुरीली, जल्दी कर, सिनेमा छूट जाएगा। पे गुड्डू, मौसी तो सुरीली को पिक्चर दिखाने के लिए लेके जा रही है यार। हमसे तो टिकट मंगवाई थी। क्या तुमने टिकट ला के दिया? अबे तुमको मालूम है कि वो पिक्चर में नीला सीन है, फिर भी जाके टिकट लेके आए हो? हमको लगा मौसी बालिक हो गई है। तो अबे मौसी बालिक हो गई है, सुरीली बालिक नहीं हुई, इस बात तुमको समझ में नहीं आती है? यार कुछ करना पड़ेगा, इनको रोकना पड़ेगा। भैया मौसी, अरे इधर है। नमस्ते। नमस्ते। कहाँ जा रही है? मंदिर? हाँ खेला देखने जा रहे हैं। खेला देखने जा रही है? अरे मौसी, इस उम्र में आपको खेला नहीं देखना चाहिए, आपको तो मंदिर जाना चाहिए, सत्यनारायण की कथा सुननी चाहिए। कथा तो रोज सुनते हैं बेटा, लेकिन कभी कभार मनोरंजन भी कर लेना चाहिए। है हम समझ सकते हैं मनोरंजन कर लेना चाहिए, लेकिन मनोरंजन के लिए रेडियो है ना। भजन सुनिए, और इतने सारे बाबा हैं, उनका प्रवचन सुनिए, इससे आपके चरित्र का निर्माण होगा मौसी। और ये पिक्चर विक्चर देखने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। ओहो, बड़ी समझदार की बात कर रहा है तू आज, है बीजी? क्या है, क्या करे, ला कर रहे हैं ना, अब थोड़े दिन बाद कमाने भी लगेंगे। भगवान करे वो दिन जल्दी आ जाए, काम धंधे पे लगेगा तो हमारे घर के वो तो नहीं लगाएगा। वो नहीं लगाएगा? क्या मतलब? वो जो लगाते हैं पंखा? देखिए हम पंखा का नहीं लगाएंगे। नहीं पंखा नहीं बेटा, वो जो लगाते हैं। अरे क्या लगा? वो जो लगाते हैं। अरे क्या? अरे रुके, थमिए थमिए, देखिए इतने चक्कर न लगाइए। वही चक्कर, काम धंधे पे लगोगे तो हमारे घर के चक्कर तो नहीं लगाओगे? अरे चक्कर ऐसे कैसे न लगाए। चले इलेमती, बस आ गए मौसी, आ गए। आ गए मौसी, जल्दी चलो वरना कोई देख लेगा। आंटी बात, अरे मौसी सुनिए तो मेरी बात, पिक्चर मौसी पिक्चर जो है ना वो ठीक नहीं है, देखिए वहाँ जाने से। अरे खटमल काट लेंगे मौसी। अरे सुनिए तो, अरे मौसी, अरे आयो, अरे संभालो 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 संभालो। अरे वो चली गई तो मुझे क्यों मार रहे हो? अरे तुमको इसलिए मार रहे क्योंकि तुमने जाके मौसी पिक्चर का टिकट दिया, अगर तुम ना देते तो मौसी पिक्चर देखने नहीं जाती, और सुरीली नीला वाला सीन देख लेगी तो उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? बच्ची है वो। भैया सुरीली इतनी छोटी बच्ची नहीं है। मुझे मालूम है, तुमको मालूम है, किसी तरीके से रोकना पड़ेगा उसे, क्या करे। बजरंगबली कोई ऐसा दूध भेजिए जिससे ये पिक्चर रुका दे। हाँ भैया, डीएम साहब कहाँ से आ गए? अरे कहीं इंस्पेक्शन तो नहीं है? एक्स्ट्रा सीन वाली बात इन्हें पता तो नहीं चल गई? काम कर, वो एक्स्ट्रा सीन का और उतार। हाँ भैया, चल 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 चल। क्या बड़े भैया? नमस्ते इंस्पेक्टर साहब, सुना है बड़ा बढ़िया फिल्म लगाए हो? नहीं, बहुत ही घटिया फिल्म है। तब भी हाउसफुल चल रही है? हाउसफुल तो बस यूं ही। देखिए अच्छे से अंदर बैठने का इंतजाम करवाइए, डीएम साहब अपने जीजाजी के साथ फिल्म देखेंगे आज। हाँ लेकिन ये तो बहुत ही खराब फिल्म है साहब। डीएम साहब का भी टेस्ट बहुत खराब है, सारी खराब फिल्में देखते हैं। चलिए सोफा वोफा लगवाइए अंदर। अरे टल्लू चल सोफा लगवाओ। चलो हाँ लगवा रहा हूँ, आइए। चलिए आइए डीएम साहब। आइए जल्दी जल्दी, आइए जी जल्दी, बैठिए बैठ। अरे बैठो ना यार, क्या है? चुप। अरे डीएम साहब आए भाई। अरे अरे डीएम है, डीएम तो क्या करूं, चुप रहो। जीजा जी थोड़ा छोटा है लेकिन अगले महीने हाल की छत पक्की करवा देंगे। सीटों का भी गद्दे लगवाने का विचार है।
पिक्चर शुरू से लगाइए। 10 मिनट चल चुकी है, इसीलिए तो कह रहा हूँ शुरू से लगाइए। जी झा साहब। जी बड़े भैया। झा साहब फिर से शुरू से लगाइए। शुरू से।